देखिए, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में आज सुबह कैसे कपकपी छूट रही थी, इसकी एक झलक लखनऊ में दिखाई दी। लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें, पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसके बाद खास करके मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है और उसका असर लोगों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सुबह के वक्त ठंड बहुत ज्यादा होती है, जब लोग घरों से निकलते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट में। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का खासा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। मैं लखनऊ में इस वक्त खड़ा हूं नगर निगम के पास में, जहां आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो जमा है चाय की दुकानों पर। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं और सर्दियों में गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। मॉर्निंग वॉक कम हो गई है, पार्कों में लोग नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ऐसी दुकानों में जहाँ कुछ उन्हें गर्मी का एहसास हो सके वहाँ नजर आ रहे हैं। कई लोग आप देख सकते हैं कि आपस में बातें कर रहे हैं। ये मैडम कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं, एनी। एनी, सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी इतनी सर्दी में? लखनऊ मेरे पापा का होम टाउन है, तो वो अपने बचपन के दिन हमें शहर पे लेके आ गए, तो हम यहाँ तक चल के आए हैं क्रिश्चियन कॉलोनी से। ठंड नहीं लग रही? नहीं, हम तो शहर पे निकले थे तो उन्होंने याद आया कि इधर शर्मा जी की चाय बहुत फेमस है और साथ में बन मस्का और समोसे मिलते हैं। अच्छा। तो हम बस वही खाए। आपको सर्दी लग रही है? कुछ चाय वाय पी आपने? चाय पिए हमने यहाँ पे, तो उससे सर्दी हट गई है। सर्दी नहीं, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, हम भी दिल्ली से ही आए हैं, पर है वैसे लखनऊ से ही हम लोग, बहुत समय के बाद दिल्ली से आए। दिल्ली के मुकाबले सर्दी कैसी है यहाँ पर? यहाँ कम है, यहाँ बहुत कम है, दिल्ली में ज्यादा ठंड है। दिल्ली से आई हुई है, दिल्ली के मुकाबले सर्दी कम है, लेकिन पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फ गिर रही है उसके बाद नजारा बदला हुआ है। लोग मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या काफी कम हो गई है और धूप में चाय पीने के लिए लोग निकले हैं। कोहरा हालांकि नहीं हो रहा है इधर कुछ दिनों से, लखनऊ में कोहरे का प्रकोप कम हुआ है लेकिन सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। भाई साहब चाय पी रहे हैं, क्या नाम है? योगेंद्र सिंह जी। सुबह सुबह इतनी सर्दी में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं? बिल्कुल सर, बड़ी सर्दी कुछ बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बड़ी क्या है, मतलब अच्छी कह लीजिए, इंतजार आता है इसका। अच्छा, मजा ले रहे हैं? मतलब बिल्कुल मजा ले रहे हैं जी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सर्दी का मजा ले रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ में। दादा कहाँ से आए, क्या नाम है? भैया जी, मैं जिला में ठीक हूँ और यहाँ सरकारी काम से अपने आया हूँ ऑफिस। अच्छा। और चाय पीने के लिए ठंड लग रही है, मैं देख रहा हूँ टोपा ओपा शाल खूब ओढ़ रखा है। हाँ भाई, ये ठंडक तो हो ही रही है और उम्र भी हो रही है। और भैया जी जो ना है कि मतलब सरकारी काम हमारा बाकी है ऑफिस में। सरकारी काम से आए थे लेकिन सर्दी हो रही तो इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं चल के थोड़ा गर्माहट ली जाए और इसके लिए आए हुए हैं और चाय पी रहे हैं। तो कुल मिला करके सर्दी का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है और खासकर लखनऊ राजधानी में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से लोग कहीं ना कहीं रजाइयों में दुबके नजर आ रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। देखिए, लखनऊ का हाल आपने देखा, अब आपको शिमला लेकर चलते हैं। शिमला में भले ही बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी है लेकिन शिमला से ज्यादा सर्दी माउंट आबू में महसूस की गई है। राजस्थान की इस खूबसूरत हिल स्टेशन का तापमान -2 तक चला गया है। जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा पूरे राजस्थान के मौसम का हाल बता रहे हैं। दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह है और राजस्थान में सर्दी का सितम जोरों पर है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान लगातार गिरेगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के जवाहर नगर इलाके के एक पब्लिक पार्क में। आप देख सकते हैं कि यहां पर जब अब सूरज निकलने की तैयारी है, बावजूद उसके इक्का दुक्का मॉर्निंग वॉकर्स ही दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लगे तमाम जिम उपकरण इस वक्त खाली हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग सूरज निकलने तक घरों से निकलना ही नहीं चाहते। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। खासतौर पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, वहां पर तापमान -2 डिग्री में चल रहा है। यानी माउंट आबू इस वक्त देश का सबसे ज्यादा सर्दी का शिकार हुआ हिल स्टेशन है। शिमला में जहां -1.1 है, वहीं माउंट आबू में यह तापमान 2 डिग्री तक बना हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार तापमान कम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन तक सर्दी का ये सितम बना रहेगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर। देखिए, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी कुछ जगहों पर लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऐसी ही मुसीबत में 73 सैलानी फंस गए थे जिन्हें बचा लिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से ये लोग करेरी नाम के गांव में फंस गए थे। परसों रात ये लोग गांव में फंस गए थे। कल सुबह जब इनके बारे में जानकारी मिली तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। SP और एडिशनल SP के साथ पुलिस के जवानों की टीम गई और लोगों को बचाया गया।
सभी 73 लोगों की सेहत ठीक है। आप माननीय श्री राकेश प्रजापति जी से भी विनती करना चाहता हूं कि कल शाम को 6 बजे तक मौसम जो था यहां पे बिल्कुल ही अच्छा था, और इसी के चलते कुछ पर्यटक की जो कि क्रेरी के लिए प्रस्थान किया हुआ है, और इनकी संख्या कम से कम 60 से 80 के बीच में है, और अतः हम ये प्रशासन से विनती तथा प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनकी जान जो है खतरे में है, और उनकी जान जो है बचाई जाए। ABP News आपको रखे आगे।